हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम के। तो फ्रेंड्स, आज ये भी रहे हैं जनरल साइंस और मोस्ट इंपोर्टेंट कोडेड क्वेश्चन डिस्कस करवा जो कि आपन पूरा सुतिबा फॉरेस्ट गार्ड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर और फॉरेस्टर पे मोस्ट इंपोर्टेंट हबो। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन हो हमर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पल्स आर, माने मोतीर जो मेन उपादान गुड़िक कौन हम एमोनियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट अरागोनाइट एंड कंचियोलाइन कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो राइट आंसर विल बी कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट हूँ पल्स बा मोतीर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौटा गोटे आइसोटोप नुहे। तो राइट आंसर वाइट्रियम। वाइट्रियम हूँ गोटे आइसोटोप रोटे सरी हाइड्रोजन गोटे हाइड्रोजन रोटे आइसोटोप नुहे। बाकी ट्रिटियम ड्यूटेरियम एवं प्लूटोरियम टा हाइड्रोजन रोटे गोटे कौन आइसोटोप। नेक्स्ट वाटर इज गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स बिकॉज मैंने जो लुण अच्छे आयोनिक लुण रोटे गुड सॉल्वेंट हूँ कौटा पानी बा वाटर। तार कारण कौन कौन से गोटे गुड सॉल्वेंट हो पारे। तो राइट आंसर हूँ इट हेज ए हाई डाइपोल मोमेंट। यार गोटे हाई डाइपोल मोमेंट अच्छे से व्टरटा आयोनिक सल्ट गोटे गुड सल्भेन्ट। नेक्स्ट बिल मेटाल इज एन एलय, मैंने बिल मेटाल क्या कहार मिश्रण अटेलय अटे। निकेल एंड कपर, जिंक एंड कपर, ब्रास एंड निकेल, टीन एंड कपर। तो राइट आंसर टीन एंड कपर। टीन एंड कपर रोटे एलय हूँ बेल मेटाल। नेक्स्ट व्हिच मेटल पोल्यूट द एयर ऑफ ए बिग सिटी। बिग सिटी एयर को वायु वायु प्रदूषण कौ मेटल द्वारा बहुत परिमाण में होता है। कॉपर, क्रोमियम, कैडमियम ना लीड। तो राइट आंसर हूँ लीड। लीड द्वारा गोटे बड़ सिटी मानक वायु प्रदूषण होता है कहीं बहुत मोटर जान बाहन चलो से लीड बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ये कॉइनेज मेटल, माने जो कॉइनेज मेटल मैंने जो थे कॉइन गुड़ाक हुए सीटा कौटा गोटे कॉइनेज मेटल कंटेन करें तार उपादान को सिल्वर एंड गोल्ड, जिंक एंड गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। तो राइट आंसर होमर कौटा जिंक एंड गोल्ड। जिंक एंड गोल्ड गोटे कॉइनेज मेटल धातु को कंटेन करे ना बा मिश्रण नुहे। नेक्स्ट बेलून्स आर फिल्ड विथ, मैंने बेलून्स जो कौन भर्ती करा जाए नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन ना आर्गन। तो राइट आंसर होमर कौटा हीलियम भरा करा जाए भर्ती करा जाए कौन बेलून्स। नेक्स्ट सीएफसी जहाँ को कौन क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस इज यूज्ड इन व्हिच डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैं कौ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौ ग्रह रखा जा प्रोडक्ट आम क्लोरो फ्लोरो कार्बन सीएफसी गैस व्यवहार होता है। कुकिंग गैस, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर ना टेलीविजन। तो राइट आंसर हूँ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में सीएफसी बा क्लोरोफ्लोरोकार्बन थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यार इसे मैं वायु गोटे कौन कंपाउंड, मिक्सचर, इलेक्ट्रोलाइट ना इलेमेंट। तो राइट आंसर हूँ कौटा गोटे मिक्सचर। वायु गोटे मिक्सचर बहुत गैस मिक्सचर अटे कौटा यार वायु। नेक्स्ट एलपीजी कंसिस्ट ऑफ, मैंने एलपीजी क्या क्या को लेकिन गठित। तो तार मुख्य उपादान गुड़िक कौन मिथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, मिथेन, हेक्सेन एंड ना नोनेन, इथेन, हेक्सेन एंड नोनेन ना कौन सी भी नुहे। तो राइट आंसर हूँ मिथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ओके, मिथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन हूँ एलपीजी मोस्ट मेन मेन सोर्स बा कंस्टिट्यूएंट। क्वेश्चन इलेवेन मार्स गैस इज, मैंने मार्स गैस को आम कौटा को मार्स गैस बोली कही था हाइड्रोजन, मिथेन, इथेन ना नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हूँ आमर मिथेन। मिथेन को आम मार्स गैस बोली कही था। नेक्स्ट परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, मैंने जलर जो परमानेंट हार्डनेस को आम कमी रिमूव कर कौन एड कले आम रिमूव कर पार्बा क्लोरीन, वाशिंग सोडा, पोटासीयम परमांगानेट ना ब्लीचिंग पाउडर। तो राइट आंसर हूँ आम वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा को जब आम व्टर पाने मिसेबा तो परमानेंट हार्डनेसटा पलिज।
Next. In fireworks, the green flame is produced because of माने आपन देखि देबे जो छोड़े करंती हला मशीन गुड को सेति रे हला ग्रीन फ्लेम टा आसे से नियारु तो से ग्रीन फ्लेम टा कहा जो उत्पन्न होई थाय सोडियम बेरियम मर्क्यूरी ना पोटासियम तो राइट आंसर हो छिए बेरियम बेरियम जो से जो सबुज फ्लेम टा बाहरी थाय फायर वर्क्स नेक्स्ट डायमंड इज एन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म माने डायमंड टा बा हीराटा कहार गोटे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म अटे जर्मेनियम कार्बन सिलिकॉन ना सल्फर राइट आंसर कहार कार्बन कार्बन रहउछि गोटे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होछि डायमंड नेक्स्ट द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब व्हिच मेड अप ऑफ माने इलेक्ट्रिक बल्ब रो जो भितरे थाय फिलामेंटा सेटा कहा क्यों धातु रु तयार होइ थाय टंगस्टन निक्रोम ग्राफाइट ना आयरन तो राइट आंसर होछि हमरो काठो टंगस्टन टू तयार होइ थाय नेक्स्ट क्वेश्चन द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर माने ट्रांजिस्टर तयार पई जो दुईटा एलिमेंट बा उपादान को बहुत मात्रा व्यवहार करा जाए दुईटा कोकोट बोरन एंड एल्युमिनियम नाइबोम एंड कोलम्बियम इरिडियम एंड टंगस्टन ना सिलिकॉन एंड जर्मेनियम तो राइट आंसर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सिलिकॉन एवं जर्मेनियम को ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर तैयार पई बहुत मात्रा रे व्यवहार हुए नेक्स्ट एक्टिनाइल्स आर द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम माने जो पीरियोडिक टेबल अच्छे से पीरियोडिक टेबल रो जो एक्टिनाइल्स टा केते थारो केते पर्यंत को हम एक्टिनाइल्स बोली कही था तो राइट आंसर हो 89 बा 99 रु 103 पर्यंत जो थांती एलिमेंट गुडी को ताको हम एक्टिनाइल बोली कही था एक्टिनाइल्स नेक्स्ट व्हाट इज लाफिंग गैस माने लाफिंग गैस टा कोटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड ना नाइट्रस ऑक्साइड तो राइट आंसर हो नाइट्रस ऑक्साइड जहाँ को संकेत हो N2O हाला या को हम लाफिंग गैस बोली कही था नेक्स्ट फ्रॉम व्हिच मेट मिनरल रेडियम इज ऑब्टेन माने रेडियम को कौ धातु रु बा खनिज रु बाहर करा जाए बा पाई था हम रुटाइल पिच ब्लेंडी लाइमस्टोन ना हेमेटाइट तो राइट आंसर हो पिच ब्लेंडी पिच ब्लेंडी रु हम रेडियम को पाई था बा बाहर करी था नेक्स्ट व्हिच आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल माने गन मेटल धातु बा गन धातु को तैयार करने को कौ इनग्रेडियंट्स बा उपकरण गुड़िक लगी था कॉपर टीन एंड जिंक आयरन ब्रास एंड टीन आयरन एंड टीन आयरन जिंक एंड टीन तो राइट आंसर होमर कौटा कॉपर टीन एवं जिंक को मिसेक आम गन मेटल तैयार करशा कर भिडियो गुड़िक भल लगे थैंक यू।